बात करेंगे। उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज बताया। उद्धव ने कहा, अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज अमित शाह है। अहमद शाह था, ये भी अमित शाह है। अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज यहाँ आया था, हमें हिंदुत्व सिखा रहे हो। नवाज शरीफ का केक खाने वालों, हम तुमसे हिंदुत्व सीखेंगे। दरअसल 21 जुलाई को अमित शाह ने पुणे में ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का लीडर कहा था। उद्धव इसी तंज का जवाब दे रहे थे। इतना ही नहीं, उद्धव ने कहा है कि भाजपा सत्ता में रहने के लिए राजनीतिक दलों में फूट डाल रही है। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को खटमल बताया। सुनिए, अहमद शाह अब्दाली का राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली तो पण शाह होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळायला आला होता, आम्हाला हिंदुत्व शिकवतोय। अरे नवाज शरीफचा केक खाणारी अवलाद तुमची, तुमच्याकडनं आम्ही हिंदुत्व शिकायचं। प्रथमेश, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रथमेश, पहले अमित शाह की तरफ से उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा गया और अब जवाब में उद्धव ठाकरे जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहले अगर हम लोग देखें तो किस तरह अमित शाह ने पुणे के दौरे में उद्धव ठाकरे पर सीधा निशाना साधा था और उन्होंने उस पर कहा था कि जो उद्धव ठाकरे है वो औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर है, बल्कि वो प्रेसिडेंट भी है, ऐसा उन्होंने कहा था। जिसके बाद आज जब उद्धव ठाकरे पुणे दौरे पर थे और वो जब अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे और कुछ लोग थे वहाँ पर, तब उन्होंने सीधा अमित शाह पे जो एक विवादित बयान दिया है, कहा है कि वो अहमद शाह अब्दाली के वहाँ से ही आते हैं, क्योंकि जिस तरीके अमित शाह अहमद शाह अब्दाली को जिस तरीके से उन्होंने कंपेयर किया है दोनों को, तो उस तरीके से उन्होंने साफ तरीके से कहा। और ये एक तुच्छ हिंदुत्व की राजनीति जो भाजपा सरकार कर रही है, ऐसा फिलहाल उनकी तरफ से कहा गया था। जिसके बाद उन्होंने सिर्फ अमित शाह पे जो कंध नहीं तसा गया, बल्कि जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और भाजपा के नेता है देवेंद्र फडणवीस, उन पे भी उन्होंने कहा कि उनको खटमल कहा। तो ये सब जो पूरा जो बयानबाजी फिलहाल शुरू है, कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी शुरू हो जाएंगे। 1 से 2 महीने में विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलेंगे। उसके पहले जिस तरीके से राजनीति हो रही है फिलहाल, और ये राजनीति अभी शुरू हो चुकी है लगातार, जो अमित शाह का गृह मंत्री अमित शाह दौरे कर रहे हैं, इसके बाद लगातार अगर देखा जाए तो जो उद्धव ठाकरे है वो लगातार अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं। तो ये फिलहाल जो है ये राजनीति बहुत तेज हो गई है। कुछ ही दिनों में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, जिसके बाद ये ऐसे विवाद शुरू हो चुके हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रथमेश।